हिंदुस्तान का एक पड़ोसी देश है, नाम है पाकिस्तान। वो हर चीज में हिंदुस्तान की बराबरी करना चाहता है और कोशिश भी खूब करता है, लेकिन सफल किसी भी काम में नहीं हो पाता। जहां हाल ही में पाकिस्तान में क्रिकेट की देखरेख करने वाले पीसीबी के चेयरमैन रमीज रजा ने भारतीय क्रिकेट की नकल करने का ऐलान किया था, और रमीज रजा ने कहा था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आ जाता है तो वो आईपीएल के तर्ज पर खिलाड़ियों का ऑक्शन करेगा। फिर देखते हैं कि विदेशी खिलाड़ी कैसे पीएसएल छोड़कर आईपीएल में जाते हैं। ये वही रमीज रजा हैं जिनका बोर्ड जेम्स फॉकनर जैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पैसे नहीं दे पाया, और जेम्स पीएसएल को बीच में ही छोड़कर चले गए। और अब रमीज रजा ने जो बात कही है उसे सुनकर ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के अध्यक्ष रमीज रजा भारत और पाकिस्तान का मैच कराने को लेकर कितने इच्छुक हैं। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज रजा ने ये इच्छा खुद जाहिर की है। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान का एक दिवसीय टूर्नामेंट करवाना चाहिए। और इतना ही नहीं, रमीज रजा ने भारत की रुचि नहीं होने के बावजूद कहा है कि वो चार देशों के एक दिवसीय टूर्नामेंट के बारे में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से बात करेंगे। जी हाँ, दरअसल रमीज ने कराची के राष्ट्रीय स्टेडियम में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने एक दिवसीय टूर्नामेंट का भारत के सामने प्रस्ताव रखा है जिसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका मकसद ये था कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा खेलने का मौका मिले और आईसीसी के और भी सदस्य देशों का राजस्व बढ़े। रमीज रजा ने कहा कि मैं दुबई में होने वाली एसीसी बैठक के दौरान सौरव गांगुली से इस बारे में बात करूंगा। हम दोनों पूर्व कप्तान और खिलाड़ी रह चुके हैं और हमारे लिए क्रिकेट सियासत से अलग है। उन्होंने कहा कि अगर भारत राजी नहीं होता है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ तीन देशों का टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला जा सकता है। आपको बता दें कि रमीज रजा ने यकीन जताया है कि भारतीय टीम अगले साल एशिया कप खेलने पाकिस्तान आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो आएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले ही बीसीसीआई सचिव जय शाह पहले ही रमीज के इस प्रस्ताव को ये कहकर खारिज कर चुके हैं कि भारत का मकसद खेल का वैश्वीकरण है और अल्पकालिक वित्तीय फायदे नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली रमीज रजा की इस बात पर क्या जवाब देते हैं। आपके इस पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।